सर फोन आ रहा है वाइफ का। ऑफ कर दो स्पीकर। थैंक यू। हाँ कहाँ से मिले पैसे? बताऊंगा आप, लंबी कहानी है। कोई सट्टा वट्टा तो नहीं खेल लिया सतीश की बातों में आके? दिमाग खराब है क्या? सही है बता, डॉक्टर वॉक्टर आए कि नहीं? आए थे दौरे पे। कुछ खाया तुमने? मैंने होटल में दाल फ्राई। अच्छा जी, दाल फ्राई? अरे उसमें तेरे हाथ के तड़के वाला मजा थोड़ी है। रहन दो, झूठ का तड़का बढ़िया लगाते हो तुम। मजाक समझ रही है क्या? अरे बाहर का खाते खाते परेशान हो गया हूँ, दो रोटी में पेट ऐसे फूल जाता है जैसे गुब्बारे का। अब तेरे हाथ की देख, 10 रोटी भी खा लूँ ना पता ही नहीं चलता कहाँ जाती है। तो कल छुट्टी कर लो, मैं बना के लाऊंगी। ठीक है, और हॉस्पिटल में जो खर्चा होगा वो तेरा बाप करेगा ऊपर से आके। है फोन रखो। अरे तुम झूठा ना करो, मेरी जा मेरी जान निकल जाती। सब देख रहे, फोन रख रही हूँ। अरे तो देखने दे। वो काट दिया। थैंक यू सर, आज बड़ी मुद्दतों बाद मेरी बीवी हंसी है। हंसी तो हम दोनों शायद भूल ही गए थे। अच्छा सर, आपको एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। एक बार एक लड़की ने 5 घंटे के लिए मेरी कैब हायर करी। अब क्या ही बताएं, बारात आने का टाइम हो गया है और फूफा जी फैल रहे हैं। अरे बस इज्जत इज्जत हो जाए साहब, हमारी इज्जत है कुछ भी? हमारे तो इज्जत नहीं है क्या? कैसे हैं आप? आइए। और सब ठीक है? हाँ जी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाई साहब, बहुत बहुत बधाई। ऑटो में हमको स्टेशन बोला फूफा जी ले गए। सुनो जरा शांत कराओ वरना नहीं आते हम। थोड़ा नींबू पानी भेजता हूँ चिंटू। बधाई हो आपको। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। हम खुद, हमारी इज्जत नहीं है क्या कानपुर के अंदर? जीत रहे हो जी, खुश रहो। इसका हमारा भाग देखिए, हमको नहीं चाहिए, हमने बहुत दूर लगे हैं यार। अरे छोड़ो ना, क्या बिटिया शादी इसलिए आया ना? अरे सुनिए हमारी बात, हमको बेवकूफ नहीं समझिए। चिल्लाओ मत यार, सब जगह क्या शादी का माहौल लगा रहे हो? मुझे जल्दी लिए क्या? चलिए। दीदी कहाँ है तो यार, सब परेशान हो रहे हैं, पापा पुलिस को फोन करने का बोल रहे हैं। I'm sorry, Papa. I know मैंने ही रोहित से शादी की जिद की थी, but I think I'm not ready. Please मुझे माफ कर दो, मुझे शादी नहीं करनी है पापा, सॉरी। अरे बेटा तू एक बार वापस तो आ, तू भाग कहाँ रही है? पापा मैं अभी नहीं आ रही, मैं रिश्तेदारों को फेस नहीं कर सकती। आई एम सॉरी पापा। अरे बाहर में गए रिश्तेदार। बेटा तू मेरे पास वापस आ, यहाँ पे सब लोग बहुत परेशान हैं, तेरी मम्मी का रो रो के बुरा हाल है।
पापा आई नीड सम मोर टाइम टू थिंक क्लियरली. प्लीज डोंट कॉल पापा एंड प्लीज डोंट मैसेज मी. एक सेकंड होल्ड कर भैया. ये आगे से यूटर्न ले लीजिए. वो रेड लाइट है ना, वहां से. मैं रेड लाइट पे हूं. वहां जो वो लड़का खड़ा है ना, वहां रोक दीजिए थोड़ा सा आगे. हाँ, आगे से घूम के आना आराम से. अंदर आ जा. चलो भैया. हेलो, हाउ आर. खाना खा के जाना. हाँ, अरे भाई साहब मैं तो थक ही गई. अबे घबरा क्यों रहा है, मैं ही तो हूँ गधा. जब जीजा जी ने ये पगड़ी पहनाई ना मेरे को, मेरी हालत खराब हो गई. सच में? पहन के दिखा, पगड़ी पहन के दिखा, पगड़ी पहन के दिखा, पहन ना. क्या हुआ? सही नहीं लग रहा? कार्टून लग रहा है. तुझे मजाक लग रहा है ना ये सब? तो दिक्कत क्या है? अबे तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरे इतने बड़े चुतियापे के बाद भी मैं हंस रही हूँ. आया बड़ा. अच्छा दिक्कत क्या है यार? तू समझ नहीं रही यार. तो समझाना फिर. ज़्यादा अंग्रेज़ी मत बोल मेरे सामने. आया बड़ा. ये हॉलीवुड के डायलॉग्स ना मेरे पे कॉपी पेस्ट मत कर. सीधी सीधी बात बोल ले यार. अब तो तेरे पापा भी नहीं मानेंगे मेरे चुतियापे के बाद. उसकी टेंशन मत ले तू. उनके हिसाब से मैं शादी से भागी हूँ, तू नहीं भागा है. सो डू नॉट वरी अबाउट दैट. ओके. देख ले कुत्ते कितना करती हूँ तेरे लिए. सोच ले क्या खोएगा तू. अब ज़रा टेंशन मत ले. लेट्स वेट. ओके. पता मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया और मम्मी ने कहा कि फेरे से पहले आप कुछ खा भी नहीं सकते हो. टिक्की तो खिला दे यार. या उसके लिए भी आ गया आई नीड सम मोर टाइम. मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे.
अच्छा जी, तो आज फिर हिम्मत कहाँ से आ गई? अपने जैसे एक बेवकूफ को देख रहा हूं जो भरी थादी में लात मार के जा रहा है। क्या फायदा यार, अब तो खाना जमीन पे ही गिर गया ना। सही बात है, सोचा कि तुझे बता दूं कि खुश नहीं रह पाया हूं, बस जी रहा हूं क्योंकि मर नहीं रहा हूं। अब क्यों बता रहा ये सब? तुझे कहने के लिए कि तेरे मुजरिम को उम्र कैद हुई है। ना बताता तू ही अच्छा था। क्यों? क्योंकि मुझे लगा तेरा इल्जाम मैंने अपने सर ले लिया है। आज तक यही सोच के खुश थी कि तेरी सजा मैं काट रही हूँ, कम से कम तू तो आजाद है। क्यों कर जिंदगी की ताकि धुल जाए पन्नों की स्याही, अब जिंदगी को फिर से लिखना है, कुछ मदद तो कर मेरे इलाही, मेरे इलाही। घर आ गया मेरे इलाही, मेरे मिस्टर ग्रूम। टाइम चाहिए ना, ले ले। तो टेंशन क्यों ले रहा है यार, मैं हूं ना तेरे पास। तू जान भी मांगेगा ना वो भी दे दूंगी, टाइम क्या चीज है। तक लिया, जा चल जा। तूने तक तो साथ ना दिया ओ मेरे भाई, मेरे लही, मेरे लही, मेरे इलाही। बारिश में रख दूं किताब जिंदगी की ताकि धुल जाए पन्नों की स्याही, अब जिंदगी को फिर से लिखना है, कुछ मदद तो कर मेरे इलाही, मेरे इलाही, मेरे इलाही, मेरे इलाही, मेरे इलाही, मेरे इलाही। चूतिया साला, इतनी प्यारी लड़कियों को छोड़ता है क्या? अरे सर, उस समय मेरे मन में ऐसी आई ना, उसका
किसमान पकड़ के दो लगाऊ और बोलू भाई साले फट्टू कर क्या रहा है। फिर से 10-15 दिन बाद ना मेरे पास एयरपोर्ट का एक पिकअप आया। मैं वहां पहुंचा तो देखा कि तो वही लड़का है। उसे देख के मेरा माथा ठनक गया। आया, बैग बैग रखा उसने। देखिए आराम से बंद करो ना। सॉरी भैया, एक मिनट, मेरी वाइफ आ रही है। अचानक मैंने मुड़ के देखा, ये तो वही लड़की थी। ना उन्होंने मुझे पहचाना, ना मैंने उनको याद दिलाया।